क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम प्रेमपाल शर्मा है। क्या घटना हुई है आपके साथ? घटना हुई थी कि सब मैं दुकान बढ़ा करके आ रहा था और रास्ते में ही उसने मुझे दबोच लिया। किसने? मतलब जो बैठा बैठा हुआ था काफी समय से मेरी दुकान पर ही बैठा हुआ था वो। और कौन बैठा हुआ था? जिस आदमी ने घटना की थी। कौन है वो व्यक्ति? वो व्यक्ति आदर्श का रहने वाला बताया गया। क्या विवाद चल रहा था आपका? क्यों गोली मारी? कोई विवाद नहीं है मेरा, वो बहुत प्रेमी आदमी था, प्रेम से ही बैठता था, डेली चाय पानी भी पीते आता था। गोली क्यों मार दी आपको? ये पता नहीं चला कि क्यों मारी थी उसने गोली। कहाँ गोली लगी आपको? मेरे हाथ में गोली लगी है। कितनी गोली मारी थी? दो गोली चलाई थी उसने, एक पहली छाती में चलाई थी तो लेकिन छाती वाली तो निकल गई क्योंकि हाथ अपने करने लग गए। दूसरी गोली जो है हाथ में लग गई मेरे। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम तरवाया। और कोई विवाद नहीं था? मतलब अचानक से गोली? हाँ, दो गोली मारी आपने? दो गोली मारी थी उसने। तो उसको पकड़ लिया या फरार हो? फरार हो गया था वो। मैंने भी हल्ला मचा दिया था क्योंकि मॉल वहाँ नजदीक में गांव घर थे ना, उसी की तरफ भागा था मैं। वही जो है उन्होंने फिर शोर मचाते देख कर वो भाग गया मोटरसाइकिल लेकर। क्या नाम है आपका? कमलेश। ये जो गोली लगी है ये आपके पति? हाँ। क्या घटना हुई उनके साथ? हमारी चाय पानी की दुकान है, जो रोज में व्यक्ति बैठने वाला था उसने यानी पीछे से आके पैसों के लिए यानी छीना जब्ती करी थी, उसके पीछे दो फायरिंग की थी उसने। अगर पैसे छीनने के लिए आया था और नहीं दिए? हाँ। तो फिर गोली मार दी? एक गोली बच के निकल गई, दूसरी लग गई उनके हाथ में। तो उसकी शिकायत करी आपने? हाँ, रिपोर्ट लिखाई थी। नहीं, अभी नहीं पकड़ा गया। कहाँ का रहने वाला कुछ पता है उसको? हाँ, तरह साइड का था। कोई पहले से जानकारी थी आपकी इससे? नहीं, वैसे कोई जानकारी नहीं, चाय पानी पीने वाला पहले था। का विवाद चल रहा हो? नहीं तो ऐसी मार दिया छीना जब्ती? ऐसी पैसे के लिए मार दिया।